हेलो एवरीवन, लेयर थ्री एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संविदा एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अभी हाल ही में व्यापम द्वारा संविदा शिक्षक भर्ती के लिए 41,500 पदों के लिए वैकेंसी ओपन हुई है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमारी इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं कि जैसे व्यापम की एग्जाम में इंग्लिश बहुत इजी लेवल की आती है और इजीली हम उसको फाइट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रेड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों में आपसे इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ग्रेड फर्स्ट में जो आपका जनरल पेपर होगा उसमें इंग्लिश 8 नंबर की पूछी जाएगी, और ग्रेड सेकंड में 30 नंबर की, और ग्रेड थर्ड जो होगी उसमें भी 30 नंबर की पूछी जाएगी। तो आज आप इस वीडियो के थ्रू चेक कर सकते हैं कि आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं और हम इजीली फाइट कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैंने बहुत ही सिंपल हो सकता आप उनको बोल सकते हैं कि 5th लेवल के जो क्वेश्चन हैं, जो 5वें लेवल के, इस टाइप के मैंने कुछ क्वेश्चन कवर किए हैं। तो आप और इसमें मैंने केवल 5 क्वेश्चन को लिया है, तो आप यहाँ से आपका स्कोर कार्ड देख सकते हैं कि 5 में से आप कितना स्कोर कर रहे हैं। वन बाय वन मैं क्वेश्चन को कंटिन्यू करता जाता हूँ, देन आप इसका आंसर अलग से नोट कर सकते हैं वीडियो को थोड़ी देर पोस्ट करके। फिर आपको पता चलेगा कि इन 5 नंबर में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं। अगर इन 5 में से आप 5 नंबर लेके आ जाते हैं, देट मीन्स कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपको अब ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके 5 में से 3 नंबर आते हैं, देट मीन्स कि आपको थोड़ी और प्रिपरेशन की ज़रूरत है। और अगर 3 से कम आते हैं, देट मीन्स कि आपको इंग्लिश की शुरुआत ही करनी होगी शुरू से। तो चलिए हम चेक करते हैं वन बाय वन हमारा जो पहला क्वेश्चन है। अब आप क्वेश्चन को देख के आपको पता चल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है मैंने किस लेवल के लिए हैं, बिल्कुल सिंपल लेवल के, और आप इनके आंसर भी चेक करते जाना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे स्पेल करेक्ट पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन SSC के एग्जाम में पूछा हुआ है। आपको बतानी है बस स्पेलिंग की, ग्रामर की सही स्पेलिंग क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है GRAMAR, सेकंड ऑप्शन है GRAMMAR, थर्ड ऑप्शन है इसका GRAMMER, और फोर्थ ऑप्शन है GRAMER। चलिए तो आप इसका आंसर चेकआउट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। कुछ समय बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर सोच सकते हैं, मैं इसका आंसर कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इसका जो ऑप्शन है वो है GRAMMAR, दैट मीन्स की ऑप्शन नंबर बी। और आई थिंक आपने लगाया होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत ऑप्शन है, और इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा GRAMMAR, बी नंबर का ऑप्शन। चलिए हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो स्पेल करेक्ट से लिया हुआ है, और इसमें आपको पूछा जा रहा है कि स्पेलिंग बताना है आपको कर्नल की। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है CONNL, नेक्स्ट ऑप्शन है COLONEL, और थर्ड ऑप्शन है CORNAL, और फोर्थ ऑप्शन है CARNEL। तो आप फाइंड आउट कीजिए इसमें आंसर कौन सा हो सकता है। और ये जो स्पेलिंग है ये कर्नल की स्पेलिंग है। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर सुन सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड बी, COLONEL। तो ये स्पेलिंग जो है ये कर्नल की स्पेलिंग है, जिसमें आर को लिया नहीं जाता है, तो यहाँ पे इसकी स्पेलिंग होगी COLONEL। चलिए आई थिंक आपने सही आंसर लगाया होगा, और आप स्कोर करते रहिए आपके कितने नंबर आ रहे हैं। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन है प्लीज कीप एंड ब्लैंक, और आपको जो ब्लैंक में ऑप्शन दिए हैं वो दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है QUITE, सेकेंड ऑप्शन है QUIET, और थर्ड ऑप्शन है QUIT। तो आप देखिए इसका आंसर कौन सा हो सकता है, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। और ये सेंटेंस बोल रहा है प्लीज कीप क्वाइट, और ये सेंटेंस आप दिन में कम से कम 10 बार यूज करते होंगे। तो इसका जो ऑप्शन है वो है QUIET, दैट मीन्स की ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है शी कट्स वेजिटेबल्स ब्लैंक नाइफ, यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए हैं वो है बाय, विथ, फोर एंड टू। तो गेस कीजिए आप इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए मैं इसका आंसर कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे जब भी कोई क्वेश्चन जिसमें काटने की या मारने की इस टाइप की कोई बात होती है, जैसे कि किल्ड या फिर कट,
तो उस केस में हमको व्यक्ति के साथ यूज करना होता है बाय, और जो इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे गन स्टिक या फिर जो नाइफ उसके साथ हमको यूज करना होता है विथ। और ये जो क्वेश्चन है इसमें हमसे जो प्रिपोजिशन पूछी है वो नाइफ के ठीक पहले पूछी है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा विथ, और आई थिंक आपने इसका आंसर लगाया होगा बाय। तो आगे से आप ध्यान रखिएगा इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा विथ, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के साथ हमको विथ का यूज करना होता है और जो पर्सन होता है उसके साथ हमको बाय का यूज करना होता है। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है वर्क हार्ड लेस्ट यू ब्लैंक फेल, तो गेस कीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे इसके जो ऑप्शन है वो है वुड शुड विल एंड शेल। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। कभी भी अगर लेस्ट कंजंक्शन आती है तो उसके साथ हमको यूज करना होता है शुड, दैट मीन्स कि लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड, तो लेस्ट के साथ हमेशा आपको यूज करना है शुड। यहाँ पे सेंटेंस जाएगा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, और इसका मीनिंग होगा कि हार्ड वर्क करो ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। चलिए आई थिंक अगर आपके 5 में से 5 नंबर आए तो आपको बहुत बहुत बधाई, और अगर आपके इससे कम नंबर आए तो आई थिंक आपको थोड़ी